बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 1.3 एंड इट इज़ एन ईजी एक्सरसाइज। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं आपको पहले से ये इन्फॉर्म कर दूं कि इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, और अगर हम चारों सवालात की बात करें तो ये तमाम के तमाम सवालात जो हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से ही इंपॉर्टेंट हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इनको सिम्प्लीफाई किया जाएगा, क्योंकि वन वर्ड आंसर है, तो इसीलिए ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन आगे की एक्सरसाइजेस करने के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए हम आते हैं क्वेश्चन वन की तरफ। और क्वेश्चन वन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वन में है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें हमने बेस बतानी है और एक्सपोनेंट के बारे में बताना है। देखें पहले क्या है, 3 पावर 4, तो यहाँ देखेंगे कि बेस क्या है, 3 यहाँ बेस है और 4 क्या है, एक्सपोनेंट। याद रखिएगा कि एक कॉमन टर्म जो हम एक्सपोनेंट के लिए यूज़ करते हैं वो है पावर। पावर भी कहा जा सकता है और एक्सपोनेंट भी, ज़्यादा बेहतर है कि एक्सपोनेंट की टर्म यूज़ करें। अब इसके बाद क्या है, 1/2 होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब, अब आप देखें बेस यहाँ क्या मौजूद है, 1/2, ये बेस हो गई। और हम ये देखेंगे कि पावर क्या है, यहाँ 3 पावर है। फिर इसके बाद -30 होल पावर 20, ठीक है, 20 है, तो 20 का मतलब क्या हुआ, 20 इसका एक्सपोनेंट है। फिर अगर हम इसकी बेस की बात करें तो बेस क्या है, -30। आपने देखा कि ये कितना आसान सवाल था। ऐसे ही मज़ीद 3 सवालात हल करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 इज़ आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। अब आपको ये 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा कि ये जो सिंबल इस तरह बना दिया होता है, इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन में अगर आपको एक नंबर दिया जाए, जो कि आप देख सकते हैं दो तरफ लिखे हुए हैं, जैसे 5 लिखा है और ये 3 लिखा है, तो हम इस 3 को कहते हैं इंडेक्स और इसे कहा जाता है रेडिकेंट। अगर यहाँ कोई इंडेक्स ना दिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि अंडरस्टूड इंडेक्स जो है वो यहाँ 2 है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये 4th रूट है, ये 5th रूट है। इसे पढ़ा कैसे जाता है, इसे हम कहते हैं अंडर क्यूब रूट 5, अंडर 4th रूट एक्स ओवर वाई, अंडर 5th रूट एक्स स्क्वायर वाई जी। अब हम यहाँ पे रेडिकेंट और इंडेक्स को अलग करके लिखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि रेडिकेंट क्या है, 5, और इंडेक्स क्या दिया जा रहा है, 3। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ रेडिकेंट क्या है, x/y, और इंडेक्स क्या है, 4, और यहाँ रेडिकेंट क्या है, x²y z, और इंडेक्स जो है वो क्या है, 5। बहुत ही आसान सवाल था, सिंप्लीफाई हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी हमने उसे पावर में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। आप बेसिक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर स्क्वायर रूट है और आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1/2 बनेगा, अगर क्यूब रूट है और आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1/3 बनेगा, 4th रूट है और आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 बनेगा। इस पॉइंट को जहन में रखते हुए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिखा है, 3/4, तो हम 3/4 को एज इट इज लिखेंगे, 3/4 होल पावर क्या लिखी जाएगी, होल पावर 1/2, क्योंकि आप जहन में रखें कि यहाँ अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 1/2 पावर होगा। फिर हम देखते हैं ये एक और स्क्वायर रूट है, लेकिन ये क्या है, x/y, और होल पावर क्या दी जा रही है, 5 दी जा रही है, और अगर होल पावर 5 है और ये स्क्वायर रूट को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2, अगर 5 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2। ये पॉइंट आप यहाँ समझ लीजिएगा ताकि आगे आपको समझने में आसानी रहे, 5 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 times 1 is 5, और डिनोमिनेटर में 2 आएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 रहेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम देखेंगे कि क्या है, y/x होल पावर क्या है, -5, और ये अंडर क्यूब रूट है। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं y/x और होल पावर क्या है, -5। आप जानते हैं कि क्यूब रूट को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/3 होगा, 1/3 को -5 से मल्टीप्लाई करें, यही प्रोसेस रिपीट करें तो -5/3
3 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन को सिंपलीफाई करते हैं, y z होल पावर 7 और ये सब क्या है, अंडर क्यूब रूट है। तो इसे भी जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, y z होल पावर क्या दी जा रही है, 7 हम एज इट इज लिखेंगे। जब हम क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/3 होगा और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/3 आ जाएगा। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 5 है 27 अंडर 9th रूट है ये, तो हम क्या लिखेंगे, 27/1/9 लिखा जाएगा जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे, -64 होल स्क्वायर है, स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन का आंसर बुक में गलत दिया हुआ है और आप जानते हैं कि बुक बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई है, लेकिन जाहिर है कि ये इसका फर्स्ट ईयर है तो जो इसमें एरर होंगे तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन जहां जहां बुक में एरर आते जाएंगे तो मैं आपको वो मिस्टेक्स पॉइंट आउट करके बताता रहूँगा, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बुक का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बुक बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई है। इस क्वेश्चन के आंसर को आप ठीक करके लिखेंगे, यहाँ हम क्या देखेंगे, ये क्या है, 1/2 होल पावर क्या है, m, और फिर हम इसे देखेंगे तो ये 1/3 को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है, एक्स वाई होल पावर 3 है और 5th रूट को जब हम कन्वर्ट करेंगे 1/5 तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं पहले हम लिखेंगे 4/13, इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ, ये है स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर, फिर आप देख रहे हैं उस पर भी क्यूब रूट मौजूद है तो इसका मतलब है 1/3 पावर। तो अब आप समझ सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 4/13 और होल पावर 1 × 1 = 1, 3 × 2 = 6। ये तमाम पार्ट सिंप्लीफाई हो गए जो कि बहुत ही आसान थे। इसके बाद हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। Now let's simplify the last question of this exercise. The question is transform the following into radical form. हमें पिछले question में दिया जा रहा था कि हमने exponential form में convert करना है, इसका मतलब यह है कि पिछले question में हमें radical form दी जा रही थी और हम उसे exponential form में convert कर रहे थे, and now the exponential forms are given and we are asked to convert into radical forms. हम इसे radical form में कैसे convert करेंगे, बिल्कुल उसका opposite सोचेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। देखें यहां क्या लिखा है, 1/7, तो अब आपको मालूम है कि ये 7th रूट है, 1/3 इसका मतलब है ये क्या है, ये 1/3 का मतलब क्यूब रूट है, 5/7, 5 को अलग कर दें तो बचा 1/7, ये 7th रूट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लेके चलेंगे सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5³ एंड द होल पावर इज 1/7, तो आपको मालूम है कि ये कौन सा रूट है, ये है 7th रूट, और 7th रूट के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5/3। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ कि अगर मैं लिख रहा हूँ 7³ रूट तो आप देखें कि 7 कहाँ लिखा है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूँ 7 और यहाँ लिखा 5³, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है और इसमें शुरू में 7 लिखा है और इसकी सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल अलग है। तो आप इस चीज़ का डिफरेंस जहन में रखेंगे कि 7 को आपने कहाँ लिखना है, क्योंकि ये रेडिकल फॉर्म में है तो ये एग्जैक्ट जब जगह पे लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसे आप नहीं लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत प्रोसेस होगा। फिर इसके बाद देखें ये क्या है, 1/3, ये क्वेश्चन बुक के आखिर में आंसर के हिसाब से गलत दिया हुआ है, यानी इसका आंसर जो है बुक के आखिर में ठीक नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। आप इस आंसर को कंसिडर करेंगे जो मैं आपको सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ, यहाँ लिखा है -2, तो ये आपने जहन में रखना है कि -2 सिर्फ और सिर्फ किस पे मौजूद है, बी पे मौजूद है। बुक के आखिर में जो आंसर है उसके हिसाब से उन्होंने इस -2 को दोनों की पावर कंसीडर किया है, लेकिन ये दोनों की पावर उस सूरत में होता जब ये ब्रैकेट के बाहर -2 लिखा हुआ होता, जैसे आप देखें यहाँ 3 है तो इसका मतलब ये 3 5 पे भी मौजूद है, ये 3 7 पे भी मौजूद है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली 5 पे 3 लिख दूंगा, 5³ लिखूंगा तो फिर वो 7 पे मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ ए पे कुछ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ए पावर क्या है, 1 पावर है, और बी पावर क्या है,
टू पावर है, और 1 अपॉन 3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट है। अभी मैंने आपको समझाया कि 3 आप प्रॉपर तरीके से लिखें यानी क्यूब रूट, फिर क्या लिखेंगे a, और a लिखने के बाद आप डिनोमिनेटर में लिखें बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव था न्यूमिरेटर में पावर, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गई। आप आने वाली एक्सरसाइजेज में भी इस रूल को समझेंगे। आप ये देखेंगे कि कोई भी जो एक वैल्यू दी जा रही है, अगर वो न्यूमिरेटर में है उसके बेस अगर आप उसको ट्रांसफ़र करें उसके एक्सपोनेंट के साथ न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर में, तो आप उसके साइन को चेंज करेंगे। जैसे ये है बी पावर माइनस टू, तो ये न्यूमिरेटर में था, जब मैंने इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया। और अगर आगे चल के भी कोई क्वेश्चन ऐसा नज़र आएगा जिसमें हमें नेगेटिव पावर दी जा रही है, तो आप कोशिश करें कि जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर में आपकी जो वैल्यू है, जो उसकी पावर है, वो पॉजिटिव हो। तो अगर वो न्यूमिरेटर में है तो उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, और अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसे न्यूमिरेटर में शिफ्ट कर दें। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या दिया जा रहा है, 5/7। 5/7 में अगर आप 1/7 को सेपरेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सेवन्थ रूट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे सेवन्थ रूट। आपको मालूम है कि सेवन कहाँ लिखना है, मैं रिपीटेडली ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। अब हम क्या लिखेंगे, 5/7, और 5/7 पे आप देखेंगे क्या पावर बच गई, 3। पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। इसके बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये क्या है, -m/2। तो अगर हम माइनस एन को एक तरफ कर दें तो ये बन जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट बनेगा। आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट में सिर्फ रेडिकल साइन बनाया जाता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता, कुछ ना हो तो ये स्क्वायर रूट है। बी पावर क्या बनेगी, बी पावर माइनस एम, और फिर ए पावर क्या है, ए पावर भी माइनस एम। अभी मैंने आपको एक स्टेप ये कहा था कि कभी भी नेगेटिव पावर हो तो आप उसे चेंज कर दें। ये न्यूमिरेटर में है, इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस एम हो जाएगी। ये डिनोमिनेटर में है, इसे न्यूमिरेटर में लाएंगे तो इसकी पावर प्लस एम हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे, आप देखें, स्क्वायर रूट है, हम लिखेंगे ए पावर एम, और फिर क्या लिखेंगे, बी पावर एम। आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों का जो है वो सेम ही पावर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों की पावर को एक दफ़ा लिखें और फिर क्या लिखेंगे, a अपॉन b। आप इसे भी आंसर कह सकते हैं, इसे भी आंसर कह सकते हैं। अब आपको पेपर में कहां तक करना है, पेपर में ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में ये आंसर है तो आप इसे टिक कर लें, वो आंसर दिया जा रहा है तो उसे टिक कर लें। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इतना छोटा सा क्वेश्चन है कि 5 नंबर का सवाल नहीं दिया जा सकता। फिर इसके बाद यहाँ देखते हैं ये क्या है, 1/5। 1/5 का मतलब क्या है कि ये है फिफ्थ रूट। अब हम यहाँ लिखेंगे फिफ्थ रूट लिखा, 5 प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 11/13। हमारा मकसद यहाँ सिंप्लीफिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हम कन्वर्ट करें यहाँ पे रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसको सिंप्लीफाई मत कीजिएगा कि 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 132 आंसर आ गया, 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 169 आंसर आ गया। ऐसे सिंप्लीफाई मत कीजिएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का आपको कहा नहीं गया। अब हम देखते हैं कि ये एक्सरसाइज यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई। बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइज थी, आसान एक्सरसाइज थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। पिछले वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।